नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार वाकड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ सिंह की जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा नाम केदारनाथ सिंह, जन्म 7 जुलाई 1934, जन्मभूमि चकिया गांव बलिया उत्तर प्रदेश। 19 मार्च 2018 में इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। बहुत बढ़िया कवि और लेखक थे। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो अकाल में सारस, उत्तर करीब और अन्य कविताएं, बाग, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी में पीएचडी की है। इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कुमारन आशान पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान, दिनकर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान। इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मनी, हंगेरियन आदि भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। केदारनाथ सिंह प्रमुख हिंदी कवियों एवं लेखकों में से एक हैं। केदारनाथ सिंह चर्चित कविता संकलन तीसरा त्रिप्तक के सहयोगी कवि में से एक है। इनकी कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मनी, हंगेरियन आदि विदेशी भाषाओं में हुए हैं। कविता पाठ के लिए दुनिया के अनेक देशों की इन्होंने यात्रा की है। संक्षिप्त जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीएचयू से 1956 में हिंदी में एमए और 1964 में पीएचडी की। केदारनाथ सिंह ने कई कॉलेज में पढ़ाया और अंत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने कविता व गद्य की अनेक पुस्तकें रची हैं और अनेक सम्माननीय सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। आप समकालीन कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। केदारनाथ सिंह की कविता में गांव व शहर का द्वंद्व साफ नजर आता है। बाघ इनकी प्रमुख लंबी कविता है जो मील का पत्थर मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।